unstoppable. हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं सक्षम मिश्रा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज के इस वीडियो में बस तुम लोगों को एक मैसेज देने आया था, बल्कि दो मैसेज देने आया था, एक तुम सबके लिए और दूसरा टिकटॉकर्स के लिए। तुम लोग जानते हो कि इस टाइम यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक ट्रेंडिंग में चल रहा था, अभी चल रहा है, और कैरी ने एक शॉट में किल कर दिया। अगर तुम लोग किसी भी टिकटॉकर से इस टाइम पूछोगे कि भाई क्या हाल है, तो उनका बस यही कहना होगा, अरे माँ चुदी पर ही है चन। तो यार इस मुद्दे को मैं ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, बट मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो टिकटॉकर्स बोलते हैं कि हम लोगों को एक एक वीडियो बनाने में इतनी देर लगती है ना, तो मैं तुम्हें एक बात सच सच बता दूं कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने से एक एक पूरा पूरा दिन लगता है, जितने में तुम लोग 10-10 वीडियो 20-20 वीडियो डाल देते हो। ठीक है, टिकटॉकर्स के लिए मेरे पास बस यही है, मादरचोद पहली टिकट निकाल। तो अब आते पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि मेरा पॉइंट है एक स्टोरी पे जो काफी शेयर हो रही है, बॉयज लॉकर रूम करके स्टोरी थी, फिर उसके बाद उस लड़के ने सुसाइड कर लिया है, और उसके बाद फिर उसके ब्रदर ने एक स्टोरी डाली कि माय ब्रदर इज नॉट अ रेपिस्ट। तो उसके बारे में मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुम लोगों से। यार जो भी उस लड़की ने करा, फेक आईडी बना के उस लड़के को बदनाम करा, जिसके कारण वो लड़का काफी हाईलाइट हुआ, उस लड़के को काफी ज्यादा मेंटल डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, और जिसके कारण उस लड़के ने सुसाइड कर ली, मैं मानता हूँ उस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ, और मैं मानता हूँ उस लड़की ने बहुत गलत करा। बट इसका यह मतलब नहीं केवल उस लड़की ने गलत करा, आप लोगों ने भी गलत करा, आप लोगों ने भी बिना किसी चीज को सोचे समझे वो स्टोरी इतनी ज्यादा शेयर कर दी, क्योंकि हमारे देश में ना फेमिनिस्ट वाले लोगों की कमी है नहीं, जरा सा कुछ भी हो जाएगा फेमिनिज्म 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 लेके बैठ जाएंगे। अरे यार किसी चीज का प्रूफ लाओ, ठीक है, किसी चीज का पक्का प्रूफ लाओ, तब उस पे आपको कमेंट करने का अधिकार है। ऐसे ही कानून नहीं बनाए, ठीक है, कानून में पहले आपको उस चीज को प्रूफ करना पड़ता है, फिर जाके उसका पूरा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को स्प्रेड करा आप लोगों ने, जिसके कारण वो बच्चा मेंटल डिप्रेशन का शिकार हुआ और उसने सुसाइड कर ली। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब वो जा चुका है, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, बट जिस तरीके से अब आप लोग उस स्टोरी को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हो कि उस लड़की ने ऐसा करा, उस लड़की के साथ ये होना चाहिए, उस लड़की को भी सेम सजा दो, उस लड़की को भी कुछ दो, फेमिनिज्म क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो आप लोगों से भी मेरा इतना ही कहना है कि यार प्लीज इस चीज को दोबारा मत बढ़ाओ। क्यों मत बढ़ाओ, उस लड़की को सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, क्योंकि उसने जो भी करा है ना बहुत गलत करा है, उससे ना केवल उस लड़के की जिंदगी बर्बाद हुई, उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हुई। तो इस चीज़ को अगर आप और ज़्यादा फैलाओगे तो आप यही सोचो आप वो काम दोबारा कर रहे हो, जो काम आपने पहले लड़के के साथ करा वही काम अब लड़की के साथ कर रहे हो, बट अब थोड़ा सिनेरियो अलग है। तो यार उस लड़की को छोड़ा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उस पर प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, बट मैं तुम लोगों से यही कहूँगा प्लीज़ उस चीज़ को दोबारा इतना ज़्यादा मत फैलाओ, क्योंकि अगर मान लो तुम लोगों ने फिर से उस चीज़ को इतना ज़्यादा फैलाया तो सोचो उस लड़की पे क्या इसका असर होगा, क्या वो लड़की भी काइंड ऑफ उस लड़के की तरह मेंटल डिप्रेशन में जा सकती है, नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। जब इतना हेट हर जगह से मिलेगा तो कोई भी परेशान हो जाएगा, उस लड़की को कितने ताने मिल रहे होंगे, जैसे उस लड़के को मिल रहे थे उसके दोस्तों से, उसके परिवार वालों से, उसके आस पड़ोस से, हर जगह से, तो वैसे ही उस लड़की को भी मिल रहे होंगे। यार मैं बस तुम लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो उस लड़के के साथ करा वो इस लड़के के साथ मत करो, स्टोरी को इतना ज़्यादा स्प्रेड मत करो, हर बार ज़रूरी नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए यार, ठीक है। और हाँ यार, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, जिसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से करा जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर गलत तरीके से करा जाए तो आप देख सकते हो उस लड़के के साथ क्या हुआ। इफ़ यू गाइस आर एग्री विद माय डिसीजन देन हिट द लाइक बटन, और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस केस के बारे में।